नमस्कार, मैं हूं अश्वनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। नीट के रिजल्ट की घोषणा हो गई है। दिल्ली के पथ आशीष बत्रा ने ऑल इंडिया में दूसरे स्थान की रैंक हासिल की है। आशीष ने 720 में से 715 मार्क्स प्राप्त किए हैं। दिल्ली के रहने वाले आशीष बत्रा ने इस वर्ष की परीक्षा की तैयारी आकाश बायजूस साउथ एक्स के इंस्टीट्यूट में बत्स ने तैयारी की। इसके बाद ये उनका पहला अटैम्प्ट था। पहले ही बार में उन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आना उनके लिए बड़ी गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि मैं 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करता था। 11th 12th 2 साल पढ़ाई की थी। डेली 5 to 6 आवर्स मैं पढ़ता था, कभी ज़्यादा भी कभी कम भी। और हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना बेस मतलब बना के उससे प्रैक्टिस की। टीचर यहाँ पे एक तो टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशंस बहुत ही अच्छी होती थी, प्लस स्ट्रैटेजी वाइज डिवाइस करने के लिए कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और क्या करना है अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके बीच में, वो सब टीचर से बहुत अच्छे से मतलब एग्ज़ाम के बाद आंसर की इससे अच्छे चेक करने के बाद तो पता चल गया था मोस्टली कितने मार्क्स आएंगे, बट रैंक नहीं सोचा था इतना है। मैं 5 या 6 घंटे सेल्फ स्टडी करता था ऑन एवरेज। लास्ट 6 मंथ्स में कभी 7 आवर्स भी हो जाता था। उसके अलावा या तो क्लास करता था 3 to 4 आवर्स या तो टेस्ट देता था। बच्च के माता पिता दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं। इनके माता पिता का कहना है कि अपने बच्चे के नाम से पहचान होना बहुत ही गर्व की बात है। दरअसल बच्च 3 भाई हैं। बड़ा भाई पहले ही मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो वहीं बच्च और उसका जुड़वा भाई दोनों ने ही इस साल नीट की परीक्षा पास की है। दोनों में बच्च की रैंकिंग ऑल इंडिया में दूसरे स्थान पर रही। बच्च की माँ ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया और कहा कि बच्चे पर पढ़ाई के लिए कभी किसी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाया गया और उसी का नतीजा है कि बच्च ने अपने मन से पढ़ाई की। बच्च ने भी पढ़ाई के साथ खूब खेलना और घूमना जारी रखा। इसके साथ ही वह सामान्य रूप से रहा, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर उसके ऊपर नहीं था। बच्च की माँ ने कहा कि वह चाहती हैं कि उनके बच्चे अच्छे डॉक्टर बनकर देश की सेवा करें और देश की हर ज़रूरत के समय वो काम आए। मैं तो माँ हूँ, उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बहुत ही खुशी का अवसर है दोनों ही इस। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे 3 बेटे हैं और बड़ा वाला ऑलरेडी मेडिकल पढ़ रहा है AFMC पुणे से, और ये दोनों उसी से इंस्पायर हुए अपने भाई को देखकर, और दोनों ने डिसाइड किया था कि मेडिकल करेंगे, कर लिया उसी। बहुत खुशी है, बहुत मेहनती है मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये भी है इन बच्चों ने अपना खेल कूद अपनी मस्ती सब जारी रखी। मतलब जैसे मैं माँ हूँ तो, या बाबा कोई भी है घर में, प्रेशर ना डालें बच्चे। जिसको प्रेशर डालने से बर्नआउट हो जाता है बच्चा, वो हमने नहीं किया। इमोशनल सपोर्ट, माँ बाप का सपोर्ट उतना काफ़ी है। बच्चा आगे बीच बीच में पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं, माँ बाप साथ में रहते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। माँ से बात करते, मम्मा ये नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम है, हमारा काम है हम उसको सपोर्ट करें। नीट में अच्छे परिणाम देने के बाद आकाश बायजूस संस्थान का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्थान ने एक बार फिर से साबित किया है कि वह लगातार अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है। नतीजा रिजल्ट आने के साथ ही लोगों के सामने आ गया है। आकाश बायजूस संस्था की तरफ से बताया गया कि इस साल 720 में से 715 नंबर ऑल इंडिया रैंक में दूसरे स्थान पर जो छात्र आया है, उनकी तरफ से उनके यहाँ पढ़ता था उसकी उन्होंने तैयारी की है। जो टॉप मार्क्स हैं वो भी 715 मार्क्स हैं, तो हमारा बच्चा 715 लेके 2 और 3 रैंक पे आ रहे हैं। जो क्लासरूम से उन्होंने कोचिंग की, उन्होंने जो फर्स्ट रैंक है वो भाई मतलब एज के हिसाब से उन्होंने वो क्राइटेरिया दिया, बिकॉज टाई ब्रेकर्स हैं बायोलॉजी के मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स, वो सब बराबर हैं। उसके बाद एज से जो है वो 1, 2, 3 रैंकिंग कर दी है इस साल। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।